मैंने पहले लेक्चर में सुदूर संवेदन के बारे में उसके थोड़ी सी ऐतिहासिक विवेचना की थी और साथ में ये भी बताया था कि हम किस तरह से फोटोग्राफी नज़दीक से भी ले सकते हैं, थोड़ी दूरी से भी ले सकते हैं, बहुत दूरी से भी ले सकते हैं, और सैटेलाइट प्रतिबिंब भी हम सैटेलाइट में जो सेंसर होते हैं उसके द्वारा भी ले सकते हैं। इसकी विवेचना हम आज फोटोग्राफी मतलब छाया चित्र के ऐतिहासिक विवेचना आज करेंगे और उस विवेचना से पता लगेगा कि किस कंट्री में और हमारे कंट्री में कब कब ये फोटोग्राफी छाया चित्रों का अध्ययन किया गया, छाया चित्र के बारे में बताया गया, इसके बारे में कंसेप्ट डेवलप किया गया। मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और फिनोमिना फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट एनी फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट। और ये भी कहा था कि माध्यम हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है जिसके माध्यम से हम बिंब लेते हैं और रिमोट सेंसिंग की पूरा माध्यमी मतलब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो अगर हम हिंदी में इसको कहें तो रिमोट सेंसिंग एक भौतिक स्पर्श या संपर्क के बिना एक वस्तु या घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विज्ञान और कला है। दूर से ही जानकारी प्राप्त करने की विज्ञान और कला है। ये आप इस कंसेप्ट को पूरा समझ लीजिए, रिमोट सेंसिंग एक भौतिक स्पर्श या संपर्क के बिना, हम उसको टच नहीं कर रहे हैं, हम उसे संपर्क नहीं कर रहे किसी वस्तु विशेष को, उस घटना को, उस वस्तु को हम टच नहीं कर रहे हैं, दूर से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ये एक विज्ञान और कला है। जैसे हम उसको सूचना लेते हैं, इस सूचना लेने का एक विज्ञान और कला है। सूचना आजकल के युग में बहुत ही जरूरी है। सूचना क्यों ली जाती है? सूचना के लिए हमें हर प्लानिंग के लिए, हर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, कोई भी काम करना है, कोई भी साइंटिफिक काम कर वैज्ञानिक काम करना है तो हमें सूचना की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपदा प्रबंधन, इसमें सूचना की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कृषि की योजना, अगर हमें कोई काम करना है, कृषि के प्रबंधन में काम करना है तो हमें सूचना की ज़रूरत पड़ेगी। आपके फॉरेस्ट में वन संपदा के ऊपर कुछ काम करना है तो हमें उसके बारे में सूचना की ज़रूरत पड़ेगी। बिना सूचना के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं और रिमोट सेंसिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके हम बहुत कम समय में और अधिक से अधिक सूचना और कम से कम मैन पावर और कम से कम खर्चे पर हम ये काम कर सकते हैं। और इसीलिए रिमोट सेंसिंग की जो महत्ता है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इसका ये रिमोट सेंसिंग जो है इसके ऐतिहासिक तौर पर भी बहुत महत्व है। ये इसका कंसेप्ट वैदिक बहुत पहले आ चुका था, 5th और 6th century में इसका कंसेप्ट आ चुका था कि रिमोट सेंसिंग फोटोग्राफी के जरिए इसका कंसेप्ट आ चुका था, ये मैं आगे बता रहा हूँ आपको। और एक तस्वीर, एक फोटो भी एक कंसेप्ट है रिमोट सेंसिंग का, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं नज़दीक से फोटो लूँ, दूर से फोटो लूँ, कम दूरी से फोटो लूँ, ज़्यादा दूर से फोटो लूँ और बिंब लूँ, ये सब रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत आता है। और रिमोट सेंसिंग को समझने के लिए पहले हम तस्वीर से शुरू करेंगे, फोटो से शुरू करेंगे। और फोटो कैसे है, क्या है फोटो? एक तस्वीर या फोटो की एक छवि है जो एक हल्के संवेदनशील सतह जिस पर प्रकाश पड़ रहा है और जिसको कि फिल्म कहते हैं, उसके द्वारा प्राप्त होता है। फोटो प्राप्त करने के लिए हमें हल्के संवेदनशील सतह जो कि आपका केमिकल सब्सटेंस होता है, रासायनिक पदार्थ जिस सतह पर लगा रहता है, और जो रासायनिक पदार्थ संवेदनशील होता है किसके, लाइट के, प्रकाश का संवेदनशील होता है, उस लाइट उस
उसके द्वारा हम इसको तस्वीर को ले सकते हैं, फिल्म जिसको कहा जाता है उसको ले सकते हैं। आजकल इसी फिल्म को हम डिजिटल फोटोग्राफी भी कहते हैं, डिजिटल सीसीडी ये मैं चिप्स लगा के अब आपको डिजिटल फोटोग्राफी बहुत से छाया चित्रों को फोटोग्राफी को के लिए हमें कैमरा की जरूरत पड़ती है, और कैमरा लेंस का यूज करता है। लेंस के बिना कैमरा कैमरे से आपको फोटोग्राफी प्राप्त नहीं हो सकती है। और फोटोग्राफी जब आप लेते हैं तो हमें वेव लेंथ 0.4 से लेके 0.9 वेव लेंथ विजिबल और नियर इंफ्रारेड दो रीजन में हमें फोटोग्राफी नियर इंफ्रारेड और विजिबल रीजन में फोटोग्राफी लेते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ये विजिबल रीजन में होगा क्योंकि विजिबल रीजन हमारा 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक चलता है। और फोटोग्राफी इससे थोड़ा ज़्यादा वेवलेंथ कवर करती है, वो है आपका 0.4 से लेके 0.9 तक लाए। और इसी ह्यूमन हमारे आंखों से जो रिपोर्टर सिटी होती है और उसको हम फोटोग्राफी के रूप में ले लेते हैं। फोटोग्राफी करने के लिए हम एक फोटोग्राफी करने के लिए उसको क्रिएट किया जाता है। फोटोग्राफी कैसे बनाई जाती है उसका एक उसकी एक प्रोसेस है, किस तरह से फोटोग्राफी बनाने की प्रोसेस होती है। वो डेवलप्ड ग्रीन बेंटल, जैसे कि मैंने कहा था कि फोटोग्राफी का कंसेप्ट जो डेवलप हुआ था बहुत पहले ग्रीक फिलोसोफर मैथमेटिशियन अरिस्टोटल ने किया था, और पिनहोल कैमरा के द्वारा। पिनहोल कैमरा एक वेरी सिंपल कैमरा, बहुत सिंपल कैमरा होता है, जो एक छोटा सा बॉक्स होता है उसमें पेन होल में छोटा सा छिद्र किया जाता है, उस छिद्र से प्रकाश को अंदर डार्क रूम के अंदर प्रवेश किया जाता है, और वहाँ पर एक पर्दा होता है, पर्दे पेपर होता है, उस पेपर में जो भी आपकी छाया चित्र बन जाती है उस छाया चित्र को देख के हम फोटोग्राफी का कंसेप्ट डेवलप किया था उस जमाने में अरिस्टोटल ने। फोटोग्राफी का सबसे पहले जो एक्चुअल फोटोग्राफी का जो सबसे पहले जो आविष्कार हुआ है 18 सेंचुरी में हुआ है, और वर्ल्ड का पहले केमिकल सब्सटेंस से फोटोग्राफी जब ली गई थी 1826 में ली गई थी, और जोसेफ नीप फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1826 में फोटोग्राफी ली थी। ये फोटोग्राफी हेलियोग्राफी की प्रोसेस से की थी। हेलियोग्राफी एक तरह से पेट्रोलियम पदार्थ है, जिलेटिनस पेट्रोलियम पदार्थ है, विस्कस होता है, विस्कस जिलेटिनस पदार्थ होता है, वो प्लेट में लगाया जाए पेस्ट किया जाता है, और लाइट जब उस पर पड़ती है तो जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी, जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी लाइट पड़ती है उसका वो हार्डनेस उसमें पैदा हो जाती है, और हार्डनेस पैदा होते से वो निकल जाता है, बाकी रह जाता है। तो हेलियोग्राफी प्रोसेस जो उस वक्त केमिकल सब्सटेंस हमारे पास नहीं था, उस जमाने में केमिकल सब्सटेंसेज डेवलप नहीं हुए थे, हेलियोग्राफी प्रोसेस से हमने फोटोग्राफी तैयार की थी। फिर उसके बाद फोटोग्राफी को सर जॉन ने किया था, उसमें फोटोग्राफी भी उसने 1839 में सर जॉन ने फिर दोबारा इसको डेवलप किया था, और इसमें सुधार किया गया था, और ड्राइंग की तरह से लाइट को ड्रॉ किया गया था, जो भी लाइट का जो छाया बनती थी कैमरा के अंदर लाइट बॉक्स के अंदर उसका ड्राइंग बनाया गया था। कलर फोटोग्राफी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बनाया था 1861 में कलर फोटोग्राफी, और इस कलर फोटोग्राफी तीन कलर वो थे, तीन कलर का बीम थे, तीन कलर के बीम से आपको ब्लू ग्रीन रेड इसे प्राइमरी कलर था, और तीनों का ग्लो करके इसमें फोटोग्राफी कलर फोटोग्राफी तैयार की गई थी। और डिजिटल फोटोग्राफी का उसमें आविष्कार हुआ, उसके बाद डिजिटल फोटोग्राफी के 1957 में डिजिटल फोटोग्राफी में और इम्प्रूवमेंट किया गया था, डिजिटल फोटोग्राफी बनाई गई थी, और 20 साल बाद कोडाक इंजीनियर इन्वेंटेड द फर्स्ट डिजिटल कैमरा। कोडाक इंजीनियर ने दो डिजिटल कैमरा डेवलप किया था, उससे 20 साल पहले हमने डिजिटल फोटोग्राफी का आविष्कार किया था, डिजिटल फोटोग्राफी तैयार की थी। अब डिजिटल फोटोग्राफी किस तरह से बनाई, हमने पहले फिल्म में फोटोग्राफी बना ली, और फिल्म में जो भी
फोटोग्राफी आया है, जो भी इम्प्रेशन आया है उसको हमने डिजिटली स्कैन करके उसका फोटो रिप्रोड्यूस किया, तो उसको डिजिटल फोटोग्राफी बोलेंगे। और उसके बाद डिजिटल फोटोग्राफी के बाद फिर आविष्कार हुआ एरियल फोटोग्राफ। मैं जेम्स ब्लैक ने भी फोटोग्राफ लिया था 2000 फीट वेस्टर्न कंट्री में, वेस्टर्न में हॉट एयर बैलून से एरियल फोटोग्राफ लिया गया था 1860 में। हॉट एयर बैलून में कैमरा फिक्स करके 2000 फीट की ऊंचाई में कैमरा फिक्स करके वही एरियल फोटोग्राफ हवाई छायाचित्र लिए गए थे उसके बाद। और सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट जो कलर फोटोग्राफी नहीं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ लिया था वो स्पेस से लिया गया था V2 रॉकेट से। एटीट्यूड उसका था 65 मील और ये हुआ था 24 अक्टूबर 1946 में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी सबसे पहले V2 रॉकेट से लिया गया था 1946 में। और इंडिया में फोटोग्राफी का जो कंसेप्ट आया 16th century में आया था। इंडिया में जो फोटोग्राफी का जो कंसेप्ट हमारा आया 16th century में आया। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किए, अच्छे और अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी एडवांस हुई फोटोग्राफी के क्षेत्र में 16th century के बाद। फोटोग्राफी इंडिया में करीब 1850 में आ गई थी, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था उसमें फोटोग्राफी कंसेप्ट हमारे पास आ चुका था। उसके बाद 19th century में फोटोग्राफी, इंडिया ने फोटोग्राफी आर्ट डेवलप किया था और उससे और भी अच्छे अच्छे फोटोग्राफी छायाचित्र हमने लिए थे। अब हवाई छायाचित्र, हवाई फोटोग्राफ का ऐतिहासिक महत्व हम बता रहे हैं। हवाई छायाचित्र पहले जैसे मैंने कहा था हमने ग्राउंड से फोटोग्राफ लिया, ग्राउंड से नज़दीक से फोटोग्राफ लिया और उससे कम से कम एरिया हमारा आया और डिटेल आया लेकिन एरिया कवर कम हुआ था। उसके बाद हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई, साइंटिस्ट की, इंजीनियर्स की, जनरल आदमी क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई, तो हमने थोड़ा फोटोग्राफी को हवाई जहाज़ में उस कैमरा को फिक्स करके दिया और धीरे धीरे हम और उसकी ऊँचाई भी बढ़ाते गए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसमें कवर हो जाए। तो फिर हमने फोटोग्राफी शुरू की थी पिजन से, कबूतर से। पहले का कबूतर में छोटा सा 7 ग्राम का आपका कैमरा था कबूतर के में लगाया गया और कैमरा में कबूतर जब ने को सिखाया जाता था उन्होंने कैमरा कबूतर जिस स्थान से दूसरे स्थान में जो उड़ा तो उसका फोटोग्राफी बीच जहाँ जहाँ गया उसकी फोटोग्राफी आ गई थी। काइट से हमने फोटोग्राफी ली, उसके बाद बैलून से ली, फिर रॉकेट से लेना शुरू। धीरे 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 डेवलपमेंट होता रहा फोटोग्राफी के क्षेत्र में, एरियल फोटोग्राफी के क्षेत्र में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहा। ये डेवलपमेंट शुरू करा हमने विजन से, फिर काइट से, फिर बैलून से एंड रॉकेट से, और धीरे धीरे इसका और आविष्कार आगे बढ़ता रहा। 1857 में अल्फ्रेड नोबल पहला आदमी था, दुनिया का पहला आदमी था जिसने एरियल फोटोग्राफी एरियल फोटोग्राफी को कैमरा को रॉकेट में माउंट करके दिया था, बनाया था। एरियल फोटोग्राफी उसने कैमरा को रॉकेट में माउंट करके लिया था। सबसे पहले इंडिया में जो फोटोग्राफी ली गई थी वो 1927 में चार इंस्टीट्यूट माइल स्केल, यहाँ पर ये स्केल का कंसेप्ट आ रहा है, स्केल के थ्रू कहते हैं, स्केल पैमाना बोलते हैं हिंदी में। तो 4 इंच माइल का मतलब हुआ 4 इंच फोटोग्राफ में 1 मील बराबर हुआ उसके जमीन में। तो इस स्केल पर फोटोग्राफी हमने ली थी, बहुत स्मॉल स्केल पर फोटोग्राफी ली थी। उसके बाद आने वाले दिनों में सभी पूरे कंट्री में की फोटोग्राफी हमने ली है और ये फोटोग्राफी लेने में हमारे 3 कंपनियां थी, अभी इसमें 3 कंपनियों में पहले CPRU एयरफोर्स आपका एयरफोर्स पालम
और डमडम एयरपोर्ट कलकत्ता और एनआरएससी हैदराबाद, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने फोटोग्राफी ली थी। उसके बाद आने वाले दिनों में सबसे पहले फोटोग्राफी 1858 में 102 टर्न रिमोट सेंसिंग के 102 साल पहले ही फोटोग्राफी का टर्न शुरू हो गया था। फोटोग्राफी से पहले 1800 में जोसेफ डी निपेश ने फोटोग्राफी ले चुके थे। 1858 में नाडर एक साइंटिस्ट थे, फोटोग्राफी उन्होंने ली, बैरून से नाडर ने फोटोग्राफी ली। टीचर इधर बीवर वैली में एक फॉरन में ली थी, फ्रांस में नाडर ने फोटोग्राफी ली थी 1858 में। 1868 में नाडर ने बहुत ऊंचाई में चढ़ के और फोटोग्राफी का बैरून्स और ऑब्लिक फोटोग्राफी लिए थे पेरिस की। 13 अक्टूबर 1860 में जेम्स वालेस ने फोटोग्राफी ली थी 1800 फीट ऊपर बैरून से चढ़ के। ये है ब्लैक 1860 फोटोग्राफी बास्टन में ली थी फ्रांस में, ये फोटोग्राफी का चित्र है पहला। और नाडर ने जो 1868 में फोटो लिए थे पेरिस का, ये पेरिस का चित्र है उसमें, ये पेरिस का चित्र है और वो बोस्टन का चित्र है। और फोटोग्राफी अब किससे ली थी, ये देखिए कि बैलून से जो फोटोग्राफी ली गई थी उसके चित्र हैं ये। आर्थर बुटट फर्स्ट एरियो फोटोग्राफ लिया था यूजिंग काइट ओवर ए पार्ट ऑफ फ्रांस इन लेट 1980। आर्थर बुटर ने भी फ्रांस में 1880 में फोटोग्राफी ली थी। 1994 कंटिन्यूस डेवलपमेंट हुआ, लगातार उत्थान होता रहा फोटोग्राफी के क्षेत्र में, कैमरा के क्षेत्र में, हाइट में इम्प्रूवमेंट में और फोटोग्राफी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ। और अब ये आगे ये क्रम आगे चलता रहा। अब वर्ल्ड वार हुआ, ब्रॉट मेजर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी कैमरा की क्वालिटी में। वर्ल्ड वार फर्स्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था, इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया था। और उसमें ये फोटोग्राफी 15,000 फीट से ली गई थी, ब्लोन अप 100 फुट। अब ये 15,000 फीट ये फोटोग्राफी ली थी। अब यहाँ पर ये चित्र बता रहा है फोटोग्राफी थ्रू पिजन विद ए वेरी स्मॉल कैमरा 60 years बिफोर द वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार फर्स्ट से ही, ये कितना इंटरेस्टिंग है, वर्ल्ड वार फर्स्ट से ही फोटोग्राफी कबूतर ने पिजन के जो ली गई थी और उसका जो वेट था केवल 70 ग्राम था और ये लिया था 15,000 फीट ऊपर से। वर्ल्ड वार खत्म होते हैं, जर्मन और ब्रिटिश ने रिकॉर्ड किया इंटायर फ्रंट ले। अब उसमें जब वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो जर्मनी और फ्रांस बहुत इच्छुक थे कि कहाँ किस देश में कितनी सेनाएं, कहाँ पर वार फील्ड हैं और कितना डिस्ट्रक्शन हो रखा है। तो अपनी फोटोग्राफी के जरिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये जो भी हवाई सर्वेक्षण थे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना नुकसान हुआ था उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो ये चित्र है एरियल फोटोग्राफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, ये कैसे फोटोग्राफी ले रहे हैं। और फ्रांस में एयरफील्ड को दिखाई दे रहा है, देखिए फोटोग्राफी से एयरफील्ड में ये पूरा इसमें चित्र दिखाई दे रहा है। और मिलिट्री ने कितने ट्रेंच खोदे हैं, ट्रेंच कंस्ट्रक्शन कितने किए हैं वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो जर्मनी और फ्रांस और अन्य कंट्री, ब्रिटेन, ये एक दूसरे कंट्री के ऊपर देख रहे थे कि कहाँ पर कितनी मिलिट्री ने कहाँ पर कितना विध्वंस कर रखा है, कितना ग्राउंड में कितना ट्रेंच खोद रखे हैं और कितना डिस्ट्रक्शन हो रखा है, ये इसके बता रहा है। वर्ल्ड वार फर्स्ट में प्लेन से फोटोग्राफी ली गई थी, हाई डिस्टोर्टेड ड्यू टू शटर स्पीड की वजह से काफ़ी डिस्टोर्टेड हुआ। वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो प्लेन से भी फोटोग्राफी थी उसमें काफ़ी डिस्टोर्शन आया था और रिलेशनशिप विद स्पीड ऑफ प्लेन, और इसको प्लेन का असली फोटोग्राफी और शटर स्पीड का कोरिलेशन नहीं बैठ पाया, उसके काफ़ी फोटोग्राफी डिस्टोर्शन आया था वर्ल्ड वार फर्स्ट में जब ये हमने फोटोग्राफी प्लेन से ली थी। वर्ल्ड वार के एंड में फेयर चाइल्ड ने डेवलप कैमरा किया था विद शटर लोकेटेड इनसाइड द लेंस। उसके बाद शटर में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो शटर
लंच के अंदर से लगाया गया और उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, क्योंकि इससे पहले शटर स्पीड में, ट्रेन की स्पीड में कोई कोरिलेशन नहीं बैठ रहा था, इसलिए डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया शटर में। और ये जो डिज़ाइन किया गया उसमें, ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ, इससे डिस्टॉर्शन बहुत कम हो रहा, डिस्टॉर्शन कम हो गया, और कैमरा मैगजीन अनइवन मैगजीन अनइवन स्पेसिंग खत्म कर दी थी। फिर चाय ने भी डिजाइन किया, फोटोग्राफी में काफ़ी डेवलपमेंट किया फिर चाय ने, और ये जो डेवलपमेंट फिर चाय ने कैमरा में किए थे वो काफ़ी फेमस रहे, और कैमरा रिमेन डिजाइन एरियल फोटोग्राफी सिस्टम फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर। आने वाले 50 सालों तक फेयर चाय ने जो भी डेवलपमेंट किया फोटोग्राफी के क्षेत्र में, वो काफ़ी फेमस रहा, काफ़ी प्रसिद्ध रहा। फेयर चाय ने पाया कि फील्ड के एयरप्लेन के मैन्युफैक्चरिंग में भी उसने इम्प्रूवमेंट किया, और सॉलिड एरिया फोटोग्राफी प्लेटफॉर्म में भी उसने इम्प्रूवमेंट किया था। फेयर चाय के अलावा वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में बहुत से डेवलपमेंट, बहुत से उत्थान हुआ विद इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी के क्षेत्र में, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के। 1920 में फोटो इंटरप्रिटेशन पर पहली किताब लिखी गई, और मैकिनले फोटोग्राफी अवेलेबल इसका था 1929 में ये किताब अवेलेबल हुई। 1924 में ग्रॉस की पेन देयर रिसर्च डेवलपमेंट मल्टी लेयर कलर फिल्म विद कोडाक प्रोड्यूसिंग प्रोग्राम इन 1935, तो कोडाक फिल्म के बारे में 1935 में डेवलपमेंट हुआ। अमंग द फर्स्ट यूजर ऑफ कलर फिल्म फॉर एरियल फोटोग्राफी वॉज गोडाक इन 19। कलर फोटोग्राफी के क्षेत्र में गोडाक ने काफ़ी आवश्यक योगदान दिया, और 1937 में इसने कलर फोटोग्राफी का आविष्कार किया, कलर फोटोग्राफी के उत्थान किया था। कलर फिल्म वॉज नॉट यूज मच फॉर फोटोग्राफी अंटिल आफ्टर वर्ल्ड वार। कलर फोटोग्राफी वर्ल्ड वार सेकंड से पहले यूज नहीं की थी, इसको यूज नहीं किया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए ब्लैक एंड वाइट ही फोटोग्राफी वर्ल्ड वार सेकंड से पहले काम में आया था। उस समय फिल्म की स्पीड बहुत कम थी, कैमरा लेंसेज भी डिजाइन में करेक्टनेस फॉर कलर वेयर नॉट रेडली अवेलेबल, एटमॉस्फेरिक हेज प्रॉब्लम्स एग्जिस्टेड एंड फिल्म प्रोसेसिंग वाज नॉट एज। उस समय बहुत सी लगुना थे हमारे पास, बहुत सी कमियां थी। जैसे कमियां क्या थी, स्पीड बहुत स्लो था, और कैमरा लेंसेज का डिजाइन प्रॉपर नहीं हुआ था, और शटर में भी प्रॉब्लम था, एटमॉस्फेरिक हेज में प्रॉब्लम था, और फिल्म प्रोसेसिंग वॉज नॉट कंसिस्टेंट, फिल्म की जो प्रोसेसिंग थी उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। उसमें 1920-30 के इंटरेस्ट इन द पीसफुल यूजेज ऑफ एरियल फोटोग्राफी इनकी ड्यूरिंग दिस पीरियड, 1920-30 के बीच में फोटोग्राफी की ड्यूरिंग इंटरेस्ट पीसफुल इंटरेस्ट, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया गया 1920-30 के बीच का। एरियल फोटोग्राफी हैड बीन टेकन फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द कंटिनेंट यूनाइटेड स्टेट, मोस्ट ऑफ इट वॉज टेकन इन द लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी। फोटोग्राफी 2/3 ऑफ द कंटिनेंट यूनाइटेड स्टेट का 2/3 ऑफ कंटिनेंट फोटोग्राफी ली गई थी, और मोस्ट ऑफ विच वॉज टेकन इन द लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी, और उसके बाद लेटर हाफ सेंचुरी में रेस्ट ऑफ द फोटोग्राफी ली गई थी। 3 फेडरल एजेंसी नेमली सॉयल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट सर्विसेज अकाउंट मोस्ट वर्क ऑफ एरियल फोटोग्राफी। उस समय कुछ समय के बाद जो एजेंसियाँ थी उसमें फोटोग्राफी का यूज सॉयल कंजर्वेशन में, मृदा कंजर्वेशन, और आपका खेती के से संबंधित और फॉरेस्ट से संबंधित कामों के लिए हमने फोटोग्राफी का यूज किया था। अदर मेजेंसी इन बॉर्ड एरियल फोटोग्राफी वर्क इन यूएस जॉर्जिया,
यूनाइटेड स्टेट में उस समय फोटोग्राफी का काम सबसे ज़्यादा जियोलॉजिकल सर्वे के लिए किया गया था। अमेरिकन सोसाइटी फोटोग्राफी वॉज फाउंडेड 1934, द सोसाइटी जनरल फोटोग्राफिक इंजीनियरिंग वॉज एस्टैब्लिश्ड द सेम टाइम। फोटोग्राफिक जनरल उस समय 1934 में इंजीनियरिंग में अमेरिका में पब्लिश किया गया था। टुडे द सोसाइटी नोन एज द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फोटोग्रामेट्री, आज ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फोटोग्रामेट्री जो है उसका नाम उसका फोटोग्रामेट्री इंजीनियरिंग और मोशन सेंसिंग बदल के रखा गया है। 1935 लॉन्च फ्रॉम द टेडवुड नियर रैपिड सिटी साउथ डकोटा द बैलून एक्सप्लोरेशन कैरीड कैप्टन एल्बर्ट सेवन एंड ओवर इंडस्ट्रियल एंड एन एस्ट्रोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट टू वर्ल्ड रिकॉर्ड एल्टीट्यूड इतना फीट। ये कौन कौन से वर्ल्ड के डिफरेंट अलग अलग एक्सप्लोरर जो थे उन्होंने फोटोग्राफी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए 1935 में। स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ऑन द राइट मोस्ट ड्रामेटिक सक्सेसफुल रिलेटेड टू एरोग्राफी, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी में फोटोग्राफी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। द फर्स्ट फोटोग्राफ शोइंग द डिविजन बिटवीन द ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर एंड एक्चुअल कर्वेचर ऑफ द अर्थ वेयर रिकॉर्ड। स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर और एक्चुअल कर्वेचर में अर्थ में रिकॉर्ड किया गया था। उसमें पहला फोटोग्राफ वो स्ट्रेटोस्फीयर एटमोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर और जो हमारे पृथ्वी का जो एक्चुअल कर्व दिखाया गया उसमें एक फोटोग्राफी रिकॉर्ड की गई थी। अब वर्ल्ड वार सेकेंड में क्या हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड में सबसे ट्रिमेंडस ग्रोथ फोटोग्राफी के क्षेत्र में हुआ है द फील्ड फोटोग्राफी दैट कंटिन्यू द उसमें जो भी ग्रोथ हुआ जो भी डेवलपमेंट हुआ वो आज तक हमारे को है। ये डिफरेंट हवाई चित्र हैं जैसे जून 23 जून 1943 और V2 रॉकेट से लिया गया था और फोटो राइट टेकन आफ्टर बॉम्बिंग रेड। अब ये देखिए जब वर्ल्ड वार सेकेंड में जो बम्बार्डमेंट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में आपके उसमें ब्रिटेन था जर्मनी था फ्रांस था जैसे जैसे बम्बार्डमेंट हुआ उसका बम्बार्डमेंट और उसका नुकसान को आकलन करने के लिए फोटोग्राफी में इम्प्रूवमेंट किया गया और फोटोग्राफी ली गई और ये दिखा रहा है। अब बाएं तरफ का फोटोग्राफ 1943 में लिया गया था और उसका देखिए कितना किस प्रकार हमारे उसमें उसका दृश्य था और जब बम्बार्डमेंट हुआ है उसमें राइट साइड का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है फोटोग्राफी में आफ्टर बम्बार्डमेंट। ऑन अगस्त 17 and 18, 1943 द ब्रिटिश सेंट इट्स बम्बर टू rather than the bombing the facility in general precise targets were selected based on the excellent aerial photography previously obtained। अब ब्रिटिशर्स ने जो भी उसमें बम्बार्डमेंट जो भी हुआ था उसके लिए जो पहले जब दृश्य बात का दृश्य उसमें लिया गया है। आफ्टर द बॉम्बिंग ए सेकेंड एरियल रिकॉन्सेंस प्लेन वॉज सेंट टू गेन फोटोग्राफी फॉर असेसिंग द अमाउंट ऑफ डैमेज, जितना भी हमारा नुकसान हुआ था उसका डैमेज के लिए भी फिर दोबारा फोटोग्राफी ली गई थी। 1950 में फोटोग्राफी कंटिन्यू टू इवॉल्व फॉर वर्क स्टडी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड एंड कोरियन वार। वर्ल्ड वार सेकेंड और कोरियन वार में भी 1950 में फोटोग्राफी का कंटिन्यूस यूज किया गया था। कलर इंफ्रारेड उसमें डेवलप हुआ था। कलर इंफ्रारेड फोटोग्राफी डिफरेंट को यूज किया था डिफरेंट वेजिटेशन वनस्पति भिन्न भिन्न वनस्पति प्रजातियाँ और भिन्न भिन्न डिजीजों को का असेसमेंट के लिए डैमेज कितना नुकसान हुआ है उसके लिए हमने कलर फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया था उस समय कलर इंफ्रारेड फोटोग्राफी। मल्टी स्पेक्ट्रल मेजर वेयर टेकन इन द सेम टाइम बट द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर टेस्टेड फॉर डिफरेंट। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसमें फोटोग्राफी कलर फोटोग्राफी में भी क्लियर नहीं आते थे इसलिए हम मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस लिए गए। मल्टी स्पेक्ट्रल का इमेज का मतलब डिफरेंट मल्टी स्पेक्ट्रल रीजन में इमेजेस लिए गए थे ताकि जो चीज़ मतलब कलर इंफ्रारेड में नहीं दिखाई दी नहीं दिखती थी वो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज में दिखाई दी। फिर उसके बाद रेडार टेक्नोलॉजी
along with two parallel path giving radar side looking slant और सिंथेटिक के वजह से रिजल्ट है उसमें डेवलपमेंट हो चुका था। और यूट्यूब प्लेन जो कि 70,000 फीट हाइट यूज पर उड़ा और उसने फोटोग्राफी ली पूरे वर्ल्ड में एट वैराइटी पर्पज विद दिस इवेंट सिम्बलाइज द बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ सेटेलाइट टू लुक एट कंडीशन ऑन द अर्थ सर्फेस एंड आइडिया ऑफ द टर्म रिमोट सेंसिंग। उस समय उस प्लेन को 70,000 फीट हाइट से जो भी दृश्य जो फोटोग्राफी ली है उस फोटोग्राफी से उतने ऊंचाई से फोटोग्राफी लेने से हमारा कंसेप्ट रिमोट सेंसिंग आया, क्योंकि रिमोट सेंसिंग जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे नियर से नज़दीक से नज़दीक से डिस्टेंस भी रिमोट सेंसिंग कंसेप्ट आता है, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस भी आता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस भी आता है। तो अब हमने और ऊँचाई से ऊँचाई में हमने कोई कैमरा फिक्स किए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड कवर हो गया था। तो रिमोट सेंसिंग का एक्चुअल कंसेप्ट जो था रिमोट सेंसिंग मतलब सुदूर संवेदी कंसेप्ट उसमें आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम कवर कर सकते हैं। लेकिन रिमोट सेंसिंग कंसेप्ट में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसमें हम बिंब न लेके उसमें इसमें हम फोटोग्राफी न लेके उसका बिंब लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज द मेन उसमें है। अब जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था सूरज से जो रोशनी निकलती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूरज से जो लाइट निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, उस विद्युत चुंबकीय विकिरण में जब आपके पृथ्वी पर विभिन्न ऑब्जेक्ट में विभिन्न क्षेत्रों में वो इंसिडेंट करता है परावर्तन होता है, एक तो परावर्तन होता है जी परावर्तन होता है, कुछ उसमें अब्जॉर्ब होता है, फिर उसके बाद रेडिएशन होता है। तो सभी परावर्तित पुनः परावर्तित और रेडिएशन जो है फिर तुम्हारा एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में हमारा सेटेलाइट है और सेटेलाइट में सेंसर लगे हैं और ये लाइट सेंसर से इंसिडेंट हो गए और डिटेक्टर के थ्रू फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज पैदा करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज हमारे वेरिएबिलिटी ऑफ द अर्थ जो भी हमारी विभिन्नता है हमारे अर्थ सर्फेस में वेरिएबिलिटी है वो विभिन्नताओं को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज दिखाते हैं। सबसे रिकॉर्डेड फोटोग्राफी ये जैसे पहले भी आया है 4 inch के माइल में हमने रिकॉर्ड की थी पर हमारे इंडिया में वास्तविक यूज फोटोग्राफी का वास्तविक यूज 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुआ है और 1945 के बाद जो हमने फोटोग्राफी दी वो फोटोग्राफी का यूज खास तौर पर हमने सर्वे ऑफ इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप को बनाने के लिए किया था। और फोटोग्राफी में हमने 3D व्यू से अंडर मिरर से उसको उसका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद हमने टोपोग्राफिकल मैप तैयार किए थे और 1945 से लेके आज तक हम मैप सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैप बनाने के लिए हम फोटोग्राफी का यूज करते आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था यहाँ हमारे इंडिया में 3 कंपनियाँ फोटोग्राफी लेने के लिए CPRU एयरफोर्स पालम, एयर सर्वे कंपनी कलकत्ता, NRC हैदराबाद और NRC हैदराबाद आज भी इफेक्टिव है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चित्र है। यहाँ पर सबसे पहले कॉस्मिक रेज है, सबसे बाईं तरफ कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज और फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर उसके बाद विजिबल, फिर आपका रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड, फिर रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड के अंदर नियर इंफ्रारेड, मिडिल इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, फिर आता है थर्मल इंफ्रारेड और उसके बाद आता है माइक्रोवेव, फिर आता है रेडियोवेव। तो बाईं तरफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और वेव फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है लेकिन वेव लेंथ बहुत छोटी है और हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइट को असंख्य वेव लेंथों में विभक्त कर सकते हैं, असंख्य फ्रिक्वेंसीज में विभक्त कर सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू से फिक्स पॉइंट, जितने भी वेव लाइट वेव पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से जितना स्पीड होती है उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं और एक दो पीक्स के बीच में जो भी
आपको डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है बाएं तरफ को वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है और बहुत वेव लेंथ बहुत कम है, और धीरे धीरे वेव लेंथ बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। हमारे वेव लेंथ जो विजिबल का है, विजिबल का विजुअल वेव लेंथ जो होता है 0.4 मिली माइक्रोन से, 0.4 मिली माइक्रोन से विजिबल होता है, और ये जाता है 0.7 तक। हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये विजिबल के अंडर आता है। इस रेंज 0.4 से 0.7 के बीच में, मिली माइक्रोन के बीच में हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। लेकिन हमारा जो कैमरा है, सिस्टम है, इससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा सेंसिटिव है और पावरफुल है। वो 0.4 से लेके 0.9 तक माइक्रोन तक देखता है, और उसके बाद हमारा फिर रिमोट सेंसिंग कंसेप्ट एक्चुअल आता है। और इसमें जो है 0.4 से लेके आपको 10.12 तक आपको पहले विजिबल में भी दिखेगा, फिर ब्लू विजिबल में है। आपके तीन बैंड होते हैं, ब्लू ग्रीन रेड, ब्लू ग्रीन रेड, ये तीन प्राइमरी कलर हैं, और ब्लू ग्रीन रेड को मिलके फिर तीन कम्प्लीमेंट्री कलर बनते हैं, कम्प्लीमेंट्री कलर बनते हैं। ब्लू ग्रीन को मिलके बनाएगा, ब्लू ग्रीन कलर मिलेगा, ग्रीन रेड मिलेगा, और रेड ब्लू मिलेगा। तो ये जो है आपके तीन कम्प्लीमेंट्री कलर बनते हैं, आपके तीन प्राइमरी कलर बनते हैं। अब इंफ्रारेड उसमें जो है, अब इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड,